कभी कभी अंतरिक्ष में ऐसे नज़ारे देखने को मिल जाते हैं कि जिसे देखकर वैज्ञानिक भी सोच में पड़ जाते हैं। हमारे वैज्ञानिक लोग अंतरिक्ष में खेती करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में इसी से जुड़ा एक मामला काफी चर्चे में आया था। दरअसल दोस्तों, अंतरिक्ष में टमाटर उगाए गए थे, लेकिन अभी हाल ही में उसमें से दो टमाटर अंतरिक्ष में ही खो गए थे। साल 2022 में अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर टमाटरों की फसल को काटे जाने के बाद उसी में से दो टमाटर अंतरिक्ष में ही खो गए थे, जो जाकर अब मिले हैं। नासा ने कहा है कि ISS पर सब्जियां और फसल उगाने का असली मकसद उन तकनीकों का अभ्यास करना था जिनका उपयोग चंद्रमा और मंगल की खोज के दौरान किया जा सकता है। इन टमाटरों को साल 2022 में एक्सपोज्ड रूट ऑन ऑर्बिट टेस्ट सिस्टम यानी XROT के प्रयोगों के तहत विकसित किया गया था। इसी तकनीक के चलते अंतरिक्ष में भी खेती की जा सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये टमाटर खोने के लगभग 8 महीने बाद पुनः हमें वापस मिले हैं।